आपने जवाब नहीं दिया हमारी बात का, जो कि आपको दे देना चाहिए था अभी तक। क्यों नहीं आप जवाब दे रही? आपके पास कोई तो जवाब होना चाहिए इस बात का जो आंटी बेबो ने आपसे पूछा है। कुछ तो जवाब होगा, कोई तो बात का जवाब होगा, या किसी एक बात का भी जवाब दे दे कि वो झूठ बोल रही हैं या कुछ करी। कुछ तो आए सामने, कुछ तो आके बात करें आप। आप तो कोई भी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं करी। कितने लोगों ने आपसे सवाल पूछ लिए हैं? चलें, आप सबको कहती हैं जी आप लोग। हाँ जी व्यूवर्स, तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आंटी हुमैरा ने ऐसा क्या किया कि जिन्हें जिस बात पर उन्हें आंटी बेबो से माफ़ियाँ मांगनी पड़ गई। हुआ जी यूँ कि हम सब जानते हैं कि जी उन्होंने बुलाया था जी मीटअप करें मुझसे आकर सेंटोरस में और ये वो, तो आंटी बेबो भी चली गई। आंटी बेबो ने कहा चले मैं वहाँ चली जाती हूँ, उनसे जाकर मिल लेती हूँ। तो वो मीटअप के लिए वहाँ चली गई। मीटअप के लिए जब वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ भी वीडियो बनाएं, आप दूसरे भी तो अपने फैंस के साथ वीडियो बना रही हैं। तो वो जिस स्टेज पे खड़ी नहीं थी वहाँ से नीचे उतर कर आकर कहती हैं जी मुझे वीडियो नहीं बनानी आपके साथ, मेरा कोई रीज़न है। आंटी बेबो ने कहा क्या ऐसा रीज़न है भाई? बात सारी वहीं आती है कि इन्हें किसने बताया और क्या हुआ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। कि अली और अक्सा के साथ भाई तुमने वीडियो बनाई है तो मैं तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बना सकती। यार ये तो कोई बात नहीं है कि आपका, एक तरफ आप कहती हैं जी हमारा पर्सनल इशू है, फैमिली मैटर है, तो आप लोग हमारे फैमिली मैटर में ना बोले। जब आप ये बात करती हैं तो आप उसको सबको भी उसी तरीके से ले कर चलें, ठीक है ना? आप कहें कि ठीक है अगर आपने उनके साथ वीडियो बनाई है वो आपका वो लिंक है, हमारा लिंक तो नहीं है ना, ठीक है? तो आपको ये बात करनी चाहिए ही नहीं थी। तो चलें व्यूवर्स, मुझसे शायद कोई मिस्टेक ही ना हो जाए तो मैं आंटी बेबो की जुबानी आपको सारा बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये हम भी तो इससे मिलने आए हैं ना, तो ये ना वहां से जहाँ ये खड़ी थी ना अपना जो स्टेज पे मैडम स्टेज पे जहाँ पे नानी खड़ी हुई थी, नानी वहां से आई मेरे पास तो आके मुझे कहने लगी कि बेबो जी मैं आपके साथ वीडियो नहीं बना सकती, बड़ा मसला है, बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? आप तो यहाँ पे आई हो ओपन स्पेस पे, किसी के साथ भी आपने सबको बनाया बुलाया है, जो मर्जी आपके साथ वीडियो बनाए पिक्चर बनाए आप उसके साथ बनाओ तो कोई इशू नहीं, इनके साथ आप बना रही हो। इसने कहा उनके साथ तो मैं बना रही हूँ, आपके साथ नहीं बना सकती। मैंने कहा वजह भी मेरे साथ क्यों नहीं बना सकती, क्या मैं कोई क्रिमिनल औरत हूँ? तो कहने लगी कि ना मसला ये है कि आपने अली के साथ ना वीडियो बनाई है, अली की और मेरी जो वीडियो बनी थी ना वो अभी तक नहीं आई थी, इसका जो मीटअप प्रोग्राम वाला है ना व्लॉग वो आप जाके देख लो, वो पहले आया था, मेरा और अली का उसके बाद आया था, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं जाके चैनल पे विजिट करें और देखें जाके कि मेरा व्लॉग और अली का कब आया और इसका कब आया, पहले इसका आया हमारा बाद में आया है। मैंने इसको कहा मेरी बात सुनो, तुम्हें किसने बताया कि मैंने और अली ने व्लॉग बनाया है, वो तो अभी तक आया ही नहीं है। तो कहने लगी नहीं नहीं मुझे पता है। मैंने कहा आपको कैसे पता चल गया, कोई किसी ने आके बताया है आपको? कहने लगी नहीं नहीं मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ ना इसलिए ना मुझे पता चल गया। मैंने कहा बड़ी यूट्यूबर क्या, बड़े यूट्यूबरों को कोई वही नाजल होती है क्या, उनको कोई आता है को आके फरिश्ता आके बताता है कि बड़े यूट्यूबरों दुनिया में ये हो रहा है? मैंने कहा बताओ किसने बताया आपको? कहती नहीं नहीं बस मुझे पता है। तो मैंने इसके मुंह पे वहीं पे इसको मैंने कहा इसका मतलब है कि आप लोग अंदर से मिले हुए हो क्या, आपके बेटे या आपके बहू ने आपको बताया है? तो कहने लगी देखे वो हमारा पर्सनल मामला है, वो हमारा फैमिली का मामला है, हमारे अंदर के मामले में ना जाओ। मैंने कहा चलो अंदर के मामले मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो तुमने ये मीटअप फिर क्यों रखा था? वहां बोलना था ना कि चैनल वाले मत आओ बाकी सारे आओ, या फिर जिन लोगों ने अली के साथ व्लॉग बनाए वो भी मत आओ ताकि लोग फिर ना आते हम भी ना आते। खैर ना मैंने कहा चलो दफा मारो इसको, कोई बात नहीं, इनकी जो भी है इनका वो अंदर का मामला, इनका क्या मामला मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसने ना वहां पे ऐसे हाथ जोड़ के कहने लगी आप लोग यहाँ से जाओ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, मैं माजरत करती हूँ और आप मेरे खिलाफ वीडियो भी नहीं बनाओगी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैंने कहा यार क्या हो गया तुम्हें, नानी हूँ मेरा नहीं बनाती मैं तेरे खिलाफ वीडियो, कोई बात नहीं अगर आपकी कोई मजबूरी है कि आप हमें वीडियो हमारे साथ नहीं बना सकती ना तो कोई बात नहीं, वो भी मैं बताती हूँ कि इसने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी, वो बात भी अब मैं यहाँ बताऊंगी असल, ठीक है?
मैंने कहा चलो खैर है नहीं बनाते, तुम्हारे खिलाफ भी नहीं बनाते और तुम्हारे साथ भी नहीं बनाते। इसके साथ मैंने एक कमेंटमेंट की, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। वहां से हम लोग चले गए, थोड़ा साइड पे चले गए, साइड पे जब हम चले गए उसके बाद भी एक कहानी वो भी बनाऊंगी। अभी ये बताती हूँ कि इसने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी। उससे पहले इसके घर आए हुए थे सोनिया गोपाल कराची वाले। मैंने इसको कहा कि मैंने कहा ये मेहमान कराची से आए हैं, अगर तुम्हें अच्छा या इनको अच्छा लगे तो मैं इनकी दावत करूं। तो इसने कहा मैं बताती हूँ। अच्छा मिनट की, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। वहां से हम लोग चले गए, थोड़ा साइड पे चले गए, साइड पे जब हम चले गए उसके बाद भी एक कहानी वो भी बनाऊंगी। अभी ये बताती हूँ कि इसने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी। उससे पहले इसके घर आए हुए थे सोनिया गोपाल कराची वाले। मैंने इसको कहा कि मैंने कहा ये मेहमान कराची से आए हैं, अगर तुम्हें अच्छा या इनको अच्छा लगे तो मैं इनकी दावत करूं। तो इसने कहा मैं बताती हूँ। अच्छा जी, इसने कहा कि दावत वो नहीं ना, दावत ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं ना। तो मैंने कहा कैसे, कुछ दे के कुछ कर दूं पे फिर होगी दावत। तो कहने लगी हाँ हाँ मैं बताती हूँ। इसने मुझे ना कोई डिमांड ज्यादा कर दी। मैंने इसको कहा देखो तुम्हारी डिमांड ज्यादा, थोड़ी नीचे आ जाओ। तो थोड़ा सा इसने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे आई तो दूसरी तरफ से इसने बढ़ा दिया। दूसरी तरफ इसने क्या किया, इसने कहा जी ऊपर मनाल में तुम डिनर रखोगी जिसमें वो दोनों होंगे, उनके बच्चे होंगे, हम में माँ बेटा हम भी होंगे, साथ में मेरी वो बड़ी खाला होगी, मेरी खाला छोटी होगी, उनके बच्चे बच्चे, ऐसे करके इसने कहा 15 को लोग गिन दिए। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये फिर ना बहुत ज्यादा हैवी काम है, फिलहाल अभी मेरे पास इतनी रेंज नहीं है, चलो फिर कभी सही, ठीक है। मैंने इसको छुट्टी करा दी, मैंने कहा अभी नहीं। देखो 15 लोगों को मैं ऊपर मनाल पे लेके जाऊं, 40-50 हजार रुपया मैं वहां पे दूं, फिर इस मैडम नानी को भी मैं दूं। इसलिए मैंने कहा कि वो लोग बहुत मुझे सादे सिंपल से लग रहे हैं सोनिया लोग वाले, उनको मैंने कहा छोड़ो कभी जिंदगी में, वो तो फिर सेपरेट पर्सनल मिल लूंगी, दफा को रिसोर्ट को, ठीक है। मैंने इसको जाने दिया, कर दिया, आन गया। मैंने कहा चलो छोड़ो। उसके बाद इस मैडम को मैंने कहा अच्छा चलो वो तो चलेंगे, मैंने कहा तुम बताओ क्या एक और मुझे करोगी प्रमोट। तो कहने लगी हाँ हाँ करूंगी। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या बातचीत इसकी, मेरी बातचीत डील हुई। तो कहने लगी कि ना चलो ठीक है फिर उधर ही चलेंगे, साथ मेरी बहन होगी, फलाना फलाना फलाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी जरूरत है, जितने लोगों को भी लेके आती कोई नहीं, 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा जी, तो फिर ना मुझे दूसरे दिन कहने लगी नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे, तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं, वो सोनिया व्लॉग वाले आए थे, मेरे जैसे तो स्यापा बन गया था, मेरे लिए तो मुश्किल, मेरे लिए तो मुसीबत, उनके बच्चे मेरे ये कर गए, मेरा वो कर गए, मेरा फलाना तोड़ गए, मेरा फलाना फोड़ गए। इसने इतनी उनके खिलाफ बातें की, काश के मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती। इसने इतना उन लोगों को बुरा भला बोला, इस नानी ने, मेरा व्लॉग वाली नानी ने इतना बुरा भला बोला। मैंने कहा यार तुम कितनी औरत किस तरह की हो, चलो तुम ना बुलाती उनको, कहती मेरा उनपे बहुत खर्चा हो गया, पेमेंट तुम मुझे दे दो, तुम मेरे घर आ जाना, इधर ही बना लेंगे। जब इसने उनको इतनी सारी बातें सुनाई थी ना, मेरा इससे दिल बाजन हो गया। मैंने इसको कहा नहीं फिलहाल मैंने अभी ना नहीं बनाना, मैं को रेंज करूंगी ना फिर बनाएंगे, ठीक है। इसने कहा ठीक है। उससे 2 दिन बाद इसका मीटअप प्रोग्राम था। जब हम मीटअप प्रोग्राम पे गए तो इसने सोचा कि यहाँ पे इनके साथ मेरी वीडियो बन जाएगी, ये वीडियो ये चैनल पे लगा लेंगे, तो समझ लें इनकी तो जैसे प्रमोट जैसा हो गया ना, तो फिर ये तो मुझे पैसे दे के इन्होंने तो करवाना है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। इसने जो ना, इसलिए वहां पे हमारे साथ वीडियो इस औरत ने नहीं बनाई थी, इसलिए कि जो इसको हमने पे करना था वो वहां पे तो फ्री में बांध रही थी। समझ गए आप लोगों को बात की समझ आ गई है ना, कि उससे पहले मेरी इसकी। हाँ जी व्यूअर्स, देखा आप लोगों ने कि आंटी बेबो ने को किस तरीके से इन्होंने जाके माफियां शाफियां मांगी कि भाई तुम मेरा व्लॉग ना बनाना, मेरे खिलाफ व्लॉग ना बनाना और ये वो। उन्हें पता था जी कि अगर मैंने इस तरीके से वीडियो बनाऊंगी तो इनकी हो जानी प्रमोशन, और जो कि होगी फ्री, और मुझे तो कोई पैसे शैसे भी नहीं मिलेंगे, तो जो कि मेरा हो जाना नुकसान बहुत बड़ा। तो उन्होंने उनके साथ वीडियो नहीं वहाँ पर बनाई। फिर सोनिया और व्लॉग, सोनिया और गोपाल भाई जो हैं वो लोग आए हुए थे कराची से, नो डाउट वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम लोग शायद हम लोगों को टाइम लगे, वो हर एक को सपोर्ट करते हैं। अगर वो यहाँ आए, आपने उन्हें घुमाया फिराया, उन्हें टिकट भी करवा कर दी, जो कि आप गाती हैं बड़े उससे कि भैया आपने उन्हें जहाज़ में भेजा, उनको गाड़ी करवाई और ये वो, तो बात सुने, वो आपने उनको पे ही किया होगा ना, वो तो आपने उनकी पेमेंट की होगी उन्हें, तो आपने उनसे इस तरीके से डील किया होगा। वैसे बड़े शर्म की बात है आंटी हुमैरा, किसी को खिला पिला के उनके बच्चों को रख कर आप लोगों के आगे जता रही हैं। मैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझती थी, मैं समझती थी कि आप बहुत अच्छी हैं और ये वो,
वही बात है ना कि इंसान जब किसी के साथ या किसी को जानना शुरू करता है तो पता तब चलता है असल में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूसरा वाला क्लिप आंटी बेबो का, कि जिसमें इन्होंने उन्हें बताया कि कितना खर्चा आएगा सोनिया गोपाल वगैरह को बुलाने के लिए, क्योंकि मुझसे हो सकता है शायद मैं कोई मिस्टेक कर दूँ, प्रूफ है ना मेरे पास। और आंटी हुमैरा, अगर आप चाहती हैं कि आपके खिलाफ लोग वीडियोस ना बनाएं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रही? आप अगर इतनी सच्ची हैं, आप जवाब दें ना, आप क्यों चुप करके बैठ गई हैं? आपको आप फिर आप और आपकी बेटा बहू ड्रामे करते हैं कि भई हम लोग आपस में मिलते नहीं हैं, ये नहीं करते। परी के तो पैदा होने का आपको इतनी खुशी थी, जी मेरे ख़ानदान में बेटी पैदा होगी, बेटी पैदा होगी, तो उस बेटी को तो पोती को तो आपने गोद तक में ना उठाया। खैर वो आपको पर्सनल इशू है, मुझे उस पर बात नहीं करनी ना बहस करनी है। मुझे इस बात का जवाब सिर्फ चाहिए कि आप एक तरफ लोगों को बुलवाती हैं मिलने के लिए और फिर मिलती भी नहीं है, मैसेज का जवाब नहीं देती। देखिए हम लोगों को कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, ठीक है ना, मुझे तो बिल्कुल भी प्रमोशन आपसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि आप हम लोगों की वजह से, हम छोटे जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों को सपोर्ट किया, तो तभी आप यहाँ पर पहुँची हैं ना। इतनी ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर आप अपने आप को समझती हैं, आपसे अच्छी तो वो है जो पाकिस्तान की किचन विद आमना, वो बहुत अच्छी यूट्यूबर है, ठीक है ना, वो कितनी बड़ी यूट्यूबर है, उसके आंख में तो मैंने कभी ऐसा कोई गरूर नहीं देखा, मैं उनको भी फॉलो करती हूँ। बात सारी ये है कि आप अगर आपको एक रुतबा मिल गया है तो आप उसको हजम करें ना, उस इज्जत को जो कि आपसे नहीं हो रही।